महुआ के थाना पनवाड़ी के अंतर्गत ग्राम महुआ में आज सुबह एक महिला खेत पर जा रही थी। उसी वक्त जहरीला सांप उसके सामने आया और महिला को डस लिया। महिला तुरंत अचेत होकर नीचे गिर गई। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में सीएचजी पनवाड़ी लाया, जहां पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दी। आपका नाम क्या है भैया? हमारा श्री राम सजी। आप कहाँ के निवासी हैं? महुआ। महुआ, अच्छा, तो ये क्या हुआ है इनको? सांप ने काट लिया, हाल में चारे के लिए गई थी। जाते समय जो है? अच्छा, और जाते समय म्याड़ पे। अच्छा, पड़ गया और काट लिया। तो मतलब फिर आपने कहाँ दिखाया? हम सीधे यहीं लेके आए, सीधा नारायण के यहाँ दिखाया। अच्छा, उसके बाद यहाँ। तो वहाँ क्या क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने वहाँ मना कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में नारायण जी के यहाँ जो है। अच्छा अच्छा, केपी सिंह के यहाँ लेके आया, उन्होंने कहा मेरी बस की बात नहीं है। अच्छा, केपी सिंह जब यहाँ ले आए थे, जब जिंदा थी क्या? नहीं, जिंदा तो नहीं, जिंदा नहीं, मतलब यहाँ घोषित जब वो लिखा गया ना, तब मतलब घोषित कर दिया था वहाँ जो है। मतलब यहाँ सीएसजी लाई जब मृतक घोषित हो गई जी। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी वहाँ हम ले गए, उन्होंने 24 घंटे का दिया था समय हमको, फिर हम जहाँ पहुँची उधर। कहाँ कहाँ ले गए थे फिर दोबारा? ले गए वहाँ। वहाँ आपको किसने बताया था? बताया था लोग बावन ने कि वहाँ दे दीजिए और वो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ अभिमन ने मना कर दिया। ठीक ठीक, बोले वहाँ लेट हो गए। नाम आप बोलिए। नाम क्या है इसका? इनका रोशनी देवी, वो डाटा, वो वाइफ ऑफ कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, ठीक। रोशनी देवी वाइफ ऑफ कृष्ण कुमार, उम्र जो है वही होगी 28-29 के लगा, 25-30। गाजियाबाद में सांसद पूर्व जनरल भारत सरकार में सड़क एवं परिवहन मंत्री वीके सिंह के मौजूदगी में गांधी जयंती का 150वें वर्ष पूरे होने पर संसदीय क्षेत्र में 150 किलोमीटर गांधी संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी जी के आदर्श को, शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना है। गाँव की हालत क्या है? कुछ जगह प्रधानों ने गाँव में बहुत पैसा लगाया है और अब तो मुझे लगता है कि पैसा इतना आता है कि कुछ दिनों के बाद प्रधान बोलने वाले कि जी हमारे पास जगह नहीं लगाने के। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो पैसा आता है आप अपने गांव को अच्छा शहर का रूप देने की कोशिश करें। अगर आप शहर का रूप देने की कोशिश करोगे तो अच्छे बड़े बड़े घर छोड़कर वो 200 गज के फ्लैट में नहीं जाओगे। नहीं तो लोग बाग 200 गज के फ्लैट में भागते हैं, उसके बाद कहते हैं जी यहाँ पे सांस घुटता है। इसी तरीके से पर्यावरण की रक्षा भी आपने करनी है। जितना हो सकता है उतने पेड़ लगाइए, जो लोग गलत काम करते हैं उनको पकड़वाइए। गलत काम क्या है? किसी ने फैक्ट्री लगा ली, किसी ने इस तरह की चीज़ लगा ली जिससे कि केमिकल निकलते हैं, ज़मीन के अंदर जाते हैं, नुकसान होता है या पर्यावरण के अंदर नुकसान होता है, तो ये हम सब का काम है, किसी एक का काम नहीं। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के आज नागौर जिला पहुंचने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भव्य से स्वागत किया। इस मौके पर विधायक के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उपचुनाव है खींवसर और मंडावा, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी रणनीति और मजबूत प्रबंधन से चुनाव लड़ रही है। खासतौर पर दो कारक इस चुनाव में है, एक तो पिछले 10 महीनों में राजस्थान सरकार की जो अनीति रही, जो अराजकता रही, विकास के काम ठप हुए और जिस पार्टी के भीतर दिल्ली से लेकर नीचे तक ग्रास रूट तक एक विभाजन साफ तौर पर दिखाई देता है। कभी भंवरलाल मेघवाल जी कुछ बोलते हैं, कभी उपमुख्यमंत्री पायलट जी कुछ बोलते हैं। इस पार्टी में जो अंतर्कलह की शिकार है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कमजोरी है। दूसरा कारक है आमतौर पर सत्ता विरोधी रुझान, ये सरकारों में 2 साल 3 साल 5 साल में पनपता है, लेकिन 10 महीनों में सरकार के खिलाफ जो जनाक्रोश है वो साफ तौर पर वोट में तब्दील होगा, मुझे भरोसा है। तीसरा कारक देश का नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियाँ और 370 के और 35A के हटने के बाद देश के लोगों में ये निश्चित रूप से भरोसा हुआ है कि मोदी जी ऐसे करिश्माई नेता हैं जो देश को बहुत आगे ले जा सकते हैं उनकी नीतियों के कारण। बहुत बुनियादी विकास की नीतियों को लोगों ने देखा है, शौचालय से लेके उज्ज्वला से लेके आवास से लेके तमाम लोगों में भरोसा बढ़ा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी का संगठन, बूथ की रचना, मोदी जी का व्यक्तित्व और कांग्रेस के खिलाफ माहौल, ये सब भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों सीटों पर अच्छी जीत दिलाएंगे।